राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में बीती शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया, जहां बिलासपुर से नागपुर की ओर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के दो डब्बों के बीच का बफर एक दूसरे से टकरा गया। गरिमत यह रही कि ट्रेन डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही थी और स्पीड कम होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं घटा। घटना की जानकारी लगते ही रेलवे के कर्मचारी एवं अधिकारी सुधार कार्य में जुट गए। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को सामान्य किया गया। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में घटे इस घटना से यात्री काफी देर तक परेशान होते रहे। बता दें कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर घटने वाला यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शिवनाथ एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतर गए थे। एक ओर जहां रेलवे प्रशासन रेल के आधुनिकीकरण किए जाने के तमाम दावे करते दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं का निकल कर सामने आना कहीं न कहीं विरोधाभास सा लगता है और रेलवे प्रशासन पर सवाल या निशान भी खड़े करता है। वहीं रेलवे कर्मचारी और यात्रियों का कहना है कि वहाँ से थोड़ी आवाज आई, यहाँ से सामने से है ना, यहाँ से पता चला है थोड़ी आवाज, तब पता नहीं अंदर में पता नहीं चलता ना, अंदर में अंदर बैठे रहते तो उसमें पता नहीं चलता, यदि बाहर ओपन रहे तो क्या है बाईफेस तो बात अलग है। बज रहा था लेकिन ये आवाज आई, अब हमने बोले हो सकता है काई की आवाज है काई की नहीं, जब उतरे ना तब पता चला कि डब्बा इधर आवाज भी आ रहा था। सर आप कहाँ जाने वाले अभी? गोंदिया। सर आपका नाम वगैरह? चंद्रानी। सब परेशान कर देते, खुलने नहीं देते। इमरजेंसी ड्यूटी लगाया क्या? ब्रेकडाउन हो गया ना, बहुत बड़ा घातन करते हैं। हाँ घातन से तो बच गया, लाइन में था करके अगर इधर से लेता ना तो नागेश जी फिर भी कितना टाइम लग सकता है? बस 10-15 मिनट में गाड़ी खींचेगा, क्लियर हो जाएगा, बफर अलग हो जाएगा ना। भैया जो क्या उतरा बड़े भैया? नागेश भाऊ क्या उतरा है? बफर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, चढ़ गया गोल वाला ट्रेंगल पोजीशन। हाँ बफर ऐसा रहता है ना, ट्रेंगल पोजीशन, ट्रेंगल पोजीशन में तो गाड़ी गिरता है। बच गया, दुर्घटना होने से बच गया। वो हमारे ऑफिसर रेलवे के सब लोगों को मालूम है जानकारी। अरे ऑफिसर तो हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं। डिस्पैच फिनिश के लिए राजनांदगांव से संवाददाता विपुल कनेक रिपोर्ट।